नमस्कार दोस्तों, मैं वी चतुर्वेदी पाथ फाइंडर एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं। मित्रों, आपसे निवेदन है, हमारे चैनल पर आप प्रथम बार हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा लें, जिससे शिक्षा जगत संबंधी जो भी महत्वपूर्ण अपडेट्स हो हमारे चैनल के माध्यम से तथाशीघ्र आपको प्राप्त हो सके। जैसा कि आज के समाचार पत्रों में सबसे महत्वपूर्ण सूचनाओं से पहली सूचना है, अनारक्षित से अधिक OBC EWS की कट ऑफ। आप देखेंगे कि जनरल की अपेक्षा EWS की कट ऑफ बढ़ गई है, वहीं अन्य की भी कट ऑफ प्रभावित हुई है। आज के कट ऑफ जो जारी की गई है PCS के द्वारा, आप सभी जानते हैं। वहीं देखिए, पॉलिटेक्निक प्रवेश के लिए आज भी आवेदन प्रदेश में राजकीय एडेड व निजी पॉलिटेक्निक संस्थाओं में प्रवेश के लिए 2 दिन और आवेदन का मौका दिया गया है। शासन ने 13 और 14 जुलाई को ऑनलाइन प्रवेश की बात कही थी, यानी 2 दिन बताई गई है। वहीं वीडियो परीक्षा की उत्तर कुंजी जारी कर दी गई है। अधीनस्थ सेवा से चयन आयोग के द्वारा 26-27 जून को कराई गई परीक्षा की जो आंसर की है वह जारी कर दी गई है। वहीं UP SSC द्वारा कनिष्ठ सहायक के 1262 पदों के लिए कट ऑफ भी जारी कर दी गई है। वहीं स्नातक में प्रवेश के लिए कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट UG के नतीजे 17 जुलाई को घोषित किए जाएंगे। हालांकि पहले 15 जुलाई तक नतीजे आने की उम्मीद रही, अब यह डेट बढ़ा दी गई है। वहीं स्नातक में आवेदन का कल अंतिम मौका, वे सारे अभ्यर्थी जो स्नातक करना चाहते हैं लखनऊ विश्वविद्यालय से, उनको जो है आवेदन का कल तक का लास्ट मौका दिया गया है, तो इंटरेस्टेड अभ्यर्थी अपने आवेदन कर दें। वहीं 24 घंटे में 1313 अभ्यर्थियों ने स्नातक में प्रवेश के लिए कराया पंजीकरण। यह बात है इलाहाबाद विश्वविद्यालय के संगठक कॉलेजों की। तो वहीं दिया है सभी 43 PCOs के ग्रेड परीक्षा के जो परिणाम हैं वह भी यूनिवर्सिटी को भेज दिए गए हैं। वहीं भाजपा के विधानसभा मार्च पर लाठीचार्ज, यह घटना आप देखेंगे कि पटना से आ रही है, बिहार से, जिला महामंत्री विजय सिंह की मौत भी हो गई है। पुलिस ने कहा मार्च से पहले भगदड़ आदि की स्थिति हो गई थी। वहीं झारखंड से भी एक सूचना आ रही है, झारखंड PGT का जो एग्ज़ाम है